किसी व्यक्ति के जीवन में माता पिता के बाद अगर ईश्वर के बराबर किसी का स्थान है तो वो गुरु का ही होता है। शायद यही वजह है कि एक छात्र का अपने शिक्षक के प्रति एक विशेष लगाव होता है। व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे अपने शिक्षक से अलग होना पड़ता है, और वो वक्त छात्र के लिए बहुत भावुक कर देने वाला होता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो कर्नाटक का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के विदाई समारोह में भावुक होते छात्रों को दिखाया गया है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसको भावुक कर दिया। छात्रों का शिक्षक से गले लग लग कर रोना वाकई लोगों को बहुत भावुक कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि विदाई लेने वाले शिक्षक जैसे ही स्कूल के ग्राउंड में कदम रखते हैं तो स्कूल के छात्र उनसे लिपट लिपट कर रोना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ छात्राएं भी टीचर के पैर छूती हैं, लेकिन शिक्षक उन छात्राओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो कर्नाटक के बीदर जिले में तैनात जिला अधिकारी अवनीश शरण ने ट्वीट किया है। यह खबर कर्नाटक के बीदर जिले से आई है और इस टीचर का नाम है बिरप्पा कडील मट्टी। बिरप्पा पिछले 14 सालों से एक सरकारी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी विषय की पढ़ाई करा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उनका ट्रांसफर बीदर जिले से दूर कोपल के एक दूसरे सरकारी स्कूल में हो गया। जब स्कूल के लोगों ने उन्हें विदाई देने के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी तो इसमें जो कुछ भी हुआ वो इन बच्चों और इस अध्यापक के लिए अभूतपूर्व था। आजकल के जमाने में किसी अध्यापक को बच्चों से ऐसी विदाई मिलना असाधारण बात है। ये एक अध्यापक पर निर्भर करता है कि वो अपने छात्रों के लिए गुरु बनना चाहता है या टीचर बनना चाहता है। आजकल ज्यादातर गुरु नहीं होते हैं, टीचर होते हैं। वो कड़वी बातें नहीं कहते, सख्ती भी नहीं दिखाते, और शायद इसीलिए ऐसे टीचर को आजकल ज्यादा महत्व नहीं मिलता है। लेकिन एक गुरु की ताकत क्या होती है वो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है, और हिंदू धर्म में भी गुरु को ईश्वर के समान माना गया है, जो अपने शिष्यों में सिर्फ ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करता बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों को भी विकसित करता है। और गुरु मंत्र में भी यही कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही भगवान शंकर है। 15वीं सदी के महान कवि संत कबीरदास ने भी अपने एक दोहे में गुरु के महत्व का उल्लेख किया है। ये दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि उनकी कृपा से ही गोविंद के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स।